दीवानी कचहरी गेट पर दुष्कर्म के आरोपित दिलशाद हुसैन को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि मृतक दिलशाद हुसैन पुत्र ताहिर हुसैन निवासी मुजफ्फरपुर सकरा थाना क्षेत्र विधिपुर का रहने वाला था, जो कि बड़हलगंज के रहने वाले रिटायर्ड फौजी भागवत निषाद पुत्र नंदलाल निषाद ग्राम महाराजगंज थाना बड़हलगंज की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर दिनांक 12 फरवरी 2020 को अपहरण कर लिया था, जिसकी खोजबीन करने पर पता चला कि उसकी नाबालिग पुत्री को दिलशाद हुसैन ने ही बहला फुसला कर अगवा कर लिया था, जिसकी तहरीर पर बड़हलगंज पुलिस ने अपहरण बलात्कार पॉस्को एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया था, जिस पर पुलिस ने दिलशाद हुसैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं बेल से छूटने के बाद दिलशाद हुसैन 21 जनवरी को दीवानी में अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए आया था, जिसकी अगली तारीख 8 मार्च 2022 को पड़ गया था तथा बाहर निकलने पर नाबालिग पुत्री के पिता भागवत निषाद व दुष्कर्मी दिलशाद हुसैन का आमना सामना होने पर दिलशाद हुसैन से कुछ कहा सुनी हो गई, जिस पर आरोपित भागवत निषाद ने दिलशाद हुसैन के ऊपर गोली चला दी, जिसका मौके पर ही मौत हो गया और नाबालिग पुत्री के पिता भागवत निषाद ने पिस्टल सहित अपने को पुलिस को सरेंडर कर दिया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौण, जिला जज जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी सिटी सोनम कुमार, सीओ कैंट श्याम देवबिंद सहित कई थानों की फोर्स ने न्यायालय परिसर में आए अधिवक्ताओं को समझा बुझाकर शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रत्यक्षदर्शी मृतक के अधिवक्ता एवं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु प्रताप पांडे, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा तथा एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा। नहीं अरे सभी लोग कहाँ आ रही हैं? Yeah.
सर उधर का, सर उधर उठाओ बढ़िया से, झोला निकाल लो। नाम कन्हैयालाल सर, यहाँ गोली चली है, एक आदमी का हत्या हो गया और गोली चला के एक आदमी भाग रहा था, उसको दौड़ा, अकेला था वो, हाथ में पिस्टल लिया था, दौड़ा के उसको पकड़ा गया है और रामकांत सिंह घाट में कूद के आराम से टहल रहा था, फिर प्रशासन को ले जाकर उसको चिन्हाया गया कि यही हत्यारा है, उसको प्रशासन पकड़ी है, उसको उसके पास से पिस्टल बरामद हुआ है, उसको लेकर कैंट गई है, दो गोली चलाया। ये लोग अपराधी कितने थे? एक अपराधी था, वही हाथ में पिस्टल लेकर भाग रहा था। क्या क्या हुआ है? दिलशाद नाम का हम लोगों का एक क्लाइंट था जिसका मुकदमा चल रहा था माननीय न्यायालय में, और वो आया हुआ था, आया और फ़ोन किया कि हम आए हुए हैं गेट पे, तारीख हमारा बता दीजिए, और मेरे तख्ते से एक लोग उसको तारीख बताने आ रहे थे, इसी दौरान गोली चल गई और वो मर गया।
उसको पब्लिक पकड़ी है, पुलिस थोड़ी ना पकड़ी है, यहीं पे हुआ अभी मेन गेट से अंदर ही, दीवानी कचहरी गोरखपुर के मेन गेट से अंदर ही हत्या हुई है उसकी। अपना मुकदमा देखने आया हुआ था वो, बिहार का रहने वाला था, दिलशाद नाम था उसका। कितने दिन से मुकदमा? उसे काफी दिनों से मुकदमा चल रहा था। आप अधिवक्ता हैं क्या उसके? हाँ, हम उसके अधिवक्ता, आदित पांडे एडवोकेट, हम ही लोगों के तख्ते पर उसके मुकदमा चल रहा था। भानु प्रताप पांडे अध्यक्ष बारेसन सिविल को। न्यायालय परिसर के बाहर मेन गेट के बाहर जहाँ साइकिल स्टैंड है वहाँ एक हत्या हुई है। वह आरोपी था 376 पास्को एक्ट का, लड़की का पिता, यह इसका नाम दिलशाद था, लड़की हिंदू बिरादरी की थी, उसके पिता द्वारा यह हत्या की गई। क्या मांग करना चाहेंगे? हम लोग मांग करना चाहते हैं बादकारी और अधिवक्ताओं की सुरक्षा पुख्ता हो, भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। पुलिस प्रशासन से मांग है कि जहां अगर कहीं कमी हो उसको पूरा करें और सुदृढ़ व्यवस्था पुलिस की यहां निश्चित करें। आज कचहरी परिसर के पास पार्किंग में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गोली मार दी, जिसमें कि घायल की मृत्यु हो गई है और जो आरोपी है उसको पुलिस ने असलाह के साथ बरामद पकड़ लिया है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि जो मृतक है वो उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में अभियुक्त था और आरोपी ने कुछ कहा सुनी हुई पार्किंग में, जिसको लेकर उसे गोली मार दी। इस पर पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। जो आरोपी है वो पूर्व फौजी है और उसके जो असलाह है लाइसेंसी रिवॉल्वर, वो भी पुलिस ने बरामद किया है। ये पता लगा है दिलशाद हुसैन नाम के व्यक्ति हैं, उनकी यहाँ हत्या हुई है। एक पॉक्सो के केस में ये हत्या हुई है, ये एक्यूज है किसी पॉक्सो के केस में, और इसको भागवत निषाद नामक व्यक्ति ने गोली मारी है कचहरी के अंदर में, और इसको मौके पे ही ऐसा प्रतीत हो रहा कि उसकी मृत्यु हो गई है। अभी जिला सदर साहब और पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौके पे आ गए थे। मुलजिम को जनता के सहयोग से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उसको बॉडी को पोस्टमार्टम कराकर उस पर जो भी विधिक कार्रवाई है उसको फॉलो अप की जाएगी। इस मामले में जो बिना असला लेके कैसे वो अंदर घुसे हैं, सीसीटीवी से जिस भी गेट से घुसे हैं वहाँ जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी, और जो भी लापरवाही जिस स्तर पे हुई है उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। आपस में मुकदमे में अभी तो कुछ मालूम नहीं है, गवाही नहीं है इसमें। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये चूंकि मुलजिम था और वो वादी पक्ष था, उसी बात को रंजिश में लेकर यह हत्या होना प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है, परंतु अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन है। अभी तो पहले अभी हम लोग लॉ एंड ऑर्डर उसको देख लें, उसके बाद जो तथ्य आएंगे आपको अवगत। एक पक्ष जो मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला है, दूसरा पक्ष जो मारने वाला है वो बरहलगंज गोरखपुर का रहने वाला। पुलिस ने तुरंत रिएक्ट करते हुए जनता के सहयोग से और स्थानीय वकीलों के सहयोग से उसको गिरफ्तार कर लिया है और वेपन भी बरामद हो गया है। पता चला है कि दिलशाद हुसैन एक पॉक्सो के केस में मुलजिम था और उसी में पैरवी में दोनों पक्ष आए थे, उसी को बात लेकर उसी रंजिश में प्रथम दृष्टया पता लगा है कि हत्या हुई है। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम और अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजी गई है, FIR लिख के इस पर कार्रवाई करेंगे। और ये भी बोला गया है कि जिस गेट से ये लापरवाही हुई है, जहाँ से ये शख्स घुसा है वेपन लेके, उन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी तक सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अब तक का अपडेट है, हमलावर एक ही बताया गया अभी तक, बट और कोई अभी तो इनिशियल बातें हैं, और कोई तख्त और साक्ष्य जैसे इमर्ज करेगा, FIR हो जाती है तो अग्रिम, ये हमको जो ऑन स्पॉट जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके आधार पर बता। मैं वही बोल रहा हूँ, CCTV चेक किया जाएगा कि कहाँ से एंट्री हुई, कैसे आया है, कहाँ लापरवाही है, उस हिसाब से उसमें करेक्शन मेजर्स भी लिए जाएंगे और जो दोषी आदमी उनके खिलाफ भी कार्रवाई। एक आदमी के बारे में पता लगा, वही मिला विथ वेपन मिला है।